अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब शाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज में या पैरेलल में कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा, यानी कि कब हमने इनको सीरीज में कनेक्ट करना है और कब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। जैसा कि आपको ये अपने सामने चार अदद सोलर पैनल नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और इन चारों को आपस में प्रैक्टिकली कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने वोल्टेज और करंट की फॉर्म में इनसे पावर ऑब्टेंड करनी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए और आप जानते ही होंगे कि हर एक जो सोलर पैनल होता है उसके हमेशा दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अगर आप ये सीरीज और पैरेलल की पूरी साइंस को समझना चाहते हैं और इसको मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके देख लें या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब अगली चीज दोस्तों ये है कि कब हमने सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करना होता है और कब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो ये चीज डिपेंड करती है दोस्तों आपके यूपीएस या फिर इन्वर्टर की रेटिंग के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि दो किस्म के यूपीएस या इन्वर्टर हमारे यहाँ दस्तयाब होते हैं। एक होते हैं 12 वोल्ट ऑपरेटेड यूपीएस या इन्वर्टर और दूसरे होते हैं 24 वोल्ट वाले। और इसी तरह से दोस्तों ये जो आपके सामने सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये बेसिकली 180 वाट के सोलर पैनल है। और 150 से 180 वाट के जो सोलर पैनल है ये आते हैं 12 वोल्ट वाली रेंज में। इसी तरह से जो 250 वाट और 330 वाट वाले सोलर पैनल होते हैं दोस्तों, ये आते हैं 24 वोल्ट वाली रेंज में। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका यूपीएस या इन्वर्टर अगर 12 वोल्ट वाला है, तो फिर आपने इन 12 वोल्ट वाले सारे सोलर पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपको सेम चाहिए होंगे, इस तरह से करंट ऐड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो यूपीएस या इन्वर्टर है वो हुआ 24 वोल्ट वाला, यानी कि आपका डबल बैटरी सेटअप हुआ, तो फिर आपको ये जो पीछे दो सोलर पैनल्स लगे हैं इनको आपस में सीरीज में करके 24 वोल्ट बनाने पड़ेंगे, और ये जो आगे दो सोलर पैनल लगे हैं इनको आपस में सीरीज में करके 24 वोल्ट बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद 24 और 24 इन दोनों को आपस में पैरेलल में करके फिर आपको ऐड करके सप्लाई को यूपीएस इन्वर्टर की इनपुट पर पहुंचाना होगा। और प्यारे दोस्तों, इन चारों सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा इस तरह की एक 60 एम्पीयर की कनेक्टर स्ट्रिप। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी जब सोलर पैनल्स को कनेक्ट करें तो टेपे लगाकर जुगाड़ लगाने के बजाय प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इस तरह से जो है वो कनेक्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल करें, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो दोस्तों इनमें से हर एक जो प्लेट है, 1, 2, 3, 4, सबके जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो वैसे तो 20 होते हैं, लेकिन इनको हम 12 वोल्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है या फिर जो यूपीएस के अंदर बिल्ट इन चार्ज कंट्रोलर होता है वो उसको 12 वोल्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो अब दोस्तों प्लान जो है वो सुन लें आप सबसे पहले कि हमने करना क्या है, किस तरीके से जो है वो हमने अपने कनेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और उसका आसान तरीका दोस्तों ये होगा कि सबसे पहले चूंकि मुझे टोटल वोल्टेज जो आउटपुट के ऊपर चाहिए वो 12 है, और चूंकि मेरा यूपीएस भी 12 वोल्ट वाला है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों प्लेटों की पॉजिटिव एक जगह और नेगेटिव एक जगह करके दोनों की जो टोटल आउटपुट है वो दो तारों की शक्ल में इन दो प्लेटों के पास ले जाऊंगा, और उसके बाद इन दो प्लेटों को भी आपस में इसी तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करके टोटल आउटपुट के ऊपर दो तारें निकालकर उसके बाद उनको यूपीएस की जानिब ले जाऊंगा। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो तारें हैं ये इस वाले सोलर पैनल की हैं जो कि इसके जंक्शन बॉक्स से निकल रही हैं, और ये जो दो तारें हैं ये उस नीचे वाले सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स से आ रही हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो ये करना होता है कि इनके आगे ये जो कनेक्टर लगे होते हैं प्लास्टिक के, इनको हमने यहाँ से काट देना है, इनको रिमूव कर देना है, और उसके बाद हमने अपनी जो कनेक्टर स्ट्रिप है वो इनकी जगह रिप्लेस कर देनी है। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने चारों कनेक्टर जो हैं वो काट दिए हैं, और अब इन तारों के जो स्ट्रैंड्स हैं, जो रेशे हैं, वो वाजे हो चुके हैं। तो अब दोस्तों मैंने इस पूरी कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर से सिर्फ दो जो हैं वो इस तरह की ये कनेक्टर इस्तेमाल करने हैं। तो अब मैं यूं करूंगा कि इस पॉइंट से किसी आरी या ब्लेड की मदद से इसको यहाँ से काट लूंगा। तो मैं यहाँ से इसको काट लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दोनों वायर्स हैं जिनके ऊपर मैंने टेप चढ़ाकर निशानी लगा ली है, ये बेसिकली पॉजिटिव वायर्स हैं दोनों सोलर पैनल्स की, और ये जो दो वायर्स हैं ये नेगेटिव हैं। तो अब जो मैंने कनेक्शन करने हैं दोस्तों वो ये करने हैं कि मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है दोनों सोलर पैनल्स को, और चार टर्मिनल्स हैं, तो इसका तरीका ये होगा कि दोनों पॉजिटिव को एक जगह और दोनों नेगेटिव को एक जगह रख के सबसे पहले हमने इनको आपस में ट्विस्ट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले इनके ये जो पॉजिटिव हैं इनको आपस में ट्विस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दोनों पॉजिटिव को एक जगह कॉमन कर दिया और दोनों नेगेटिव को एक जगह कॉमन कर दिया है। और अब मैं यूं करूंगा कि पॉजिटिव वायर को एक कनेक्टर के अंदर और नेगेटिव को दूसरे कनेक्टर के अंदर लगाकर
अच्छे से ऊपर से टाइट कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों मैं इन सोलर पैनल से आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की खालिस कॉपर की 8 mm की तार जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो USA मेड कॉपर वायर है। वैसे तो यहाँ पर इस काम के लिए 6 mm की वायर भी इनफ थी, लेकिन मैंने चूंकि आपको बताया कि मेरा सिस्टम जो है वो पैरेलल में है और पैरेलल में करंट सारी की सारी ऐड हो जाती है, वोल्टेज सेम रहते हैं, तो चूंकि मैंने फ्यूचर एक्सटेंशन को भी जहन में रखना है, फ्यूचर में और शायद इनके साथ मैं प्लेट्स जो है वो ऐड करूँ तो इसके लिए करंट जो है वो एक्सीड कर जाएगी 40 एम्पेयर से, तो मैं इसीलिए एहतियातन अभी से ही जो है वो 8 mm की तार इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने दोनों पॉजिटिव जो है वो पैनल्स की ऊपर वाले कनेक्टर स्ट्रिप में लगा दी और नेगेटिव नीचे लगा दी। और इसके अलावा ये वायर धूप से ख़राब ना हो, क्योंकि ये सारा साल ओपन एयर में पड़ी रहेगी, तो उसके लिए मैं एक इस तरह का प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल करूँगा जिसके ज़रिए मैं इसको जो है वो कवर कर लूँगा ताकि डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अंदर ये वायर ख़राब ना हो। तो अब ये जो मेरी ऑरेंज कलर की वायर है इसको मैं लगा देता हूँ ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर, और ये जो नेगेटिव है उसको लगा लेता हूँ नीचे वाले टर्मिनल के अंदर, और उसके बाद मैं इस कनेक्टर स्ट्रिप के जो स्क्रूज़ हैं उनको टाइट कर लेता हूँ। तो अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड से भी इनपुट वायर्स लग गई हैं और आउटपुट के ऊपर भी मैंने 2 तारें लगा दी हैं। अब इस कनेक्टर को यहाँ पर नीचे की साइड पे सोलर पैनल के यहाँ पर मैं पक्का जो है वो माउंट कर देता हूँ और साथ में 2 अदद इस तरह की टाइज लगा देता हूँ ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर इसकी ड्रेसिंग कर दी है। अब बिल्कुल यही काम दोस्तों ये जो पीछे सोलर पैनल लगे हैं 2 हमारे इनके साथ भी हमने करना है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव वायर्स को एक जगह जोड़ के एक कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर और दोनों की नेगेटिव को जो है वो एक जगह जोड़कर दूसरे कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर लगा दिया है। तो अब इसके आगे से भी इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट निकाल। अब दोस्तों ये वाली जो 2 वायर्स हैं ये आ रही हैं उन दूसरे वाले 2 सोलर पैनल्स से जिनको हमने पहले कनेक्ट किया है, और यहाँ पर ये जो कनेक्टर है ये इन 2 सोलर पैनल्स का है, ये जो आपको ये पीछे वाले सोलर पैनल है उनका दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल जो आउटपुट है दोस्तों इसको हमने इन 2 वायर्स के जरिए आगे लेके जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों वायर्स आके जा रही हैं यहाँ से छत से नीचे, जहाँ पर हमने अपना जो UPS या इन्वर्टर या जो भी सेटअप लगाया होगा उसके नीचे। तो अब मैं यूँ करूँगा दोस्तों आखिरी स्टेप के उन 2 सोलर पैनल्स से आने वाली वायर को जाने वाली टोटल वायर के साथ मिलाकर उसके बाद ये वाले जो 2 सोलर पैनल्स हैं इनके साथ अटैच कर दूंगा। इस तरह से मेरा ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल का, और यही काम फिर मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी करूंगा। यहाँ पर ये वाली जो तार है ये उन अगली 2 प्लेटों से आ रही है, और उसके बाद मैंने इन 2 सोलर पैनल्स को भी आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके इस कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर जमा कर दिया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों यूँ हो रहा है कि उन दोनों प्लेटों की करंट जमा होकर इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, और इन दोनों प्लेटों की भी करंट जमा होकर इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, और ये टोटल करंट मिल के फिर इस वायर के जरिए आगे पाइप से होती हुई फिर आगे नीचे UPS वाले पॉइंट के ऊपर जा रही है। तो अब मैं इस पॉइंट के ऊपर यानी कि टोटल जहां पर करंट ऐड हो रही है और वोल्टेज जो है वो सम अप हो रहे हैं वहां पर मैं आपको वोल्टेज और करंट चेक करके दिखाता हूं कि चारों पैनल्स की जो आपस में करंट और वोल्टेज और पावर का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस टोटल आउटपुट वाले टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों के 20.21 यानी कि पैरेलल में वोल्टेज मैंने आपको बताया है कि सेम होते हैं। अब चारों पैनल्स में से हर एक पैनल के जो वोल्टेज हैं वो 20 हैं, लेकिन चूंकि चारों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में टोटल वोल्टेज भी जो है वो 20 हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको करंट चेक करके बताऊं यानी कि चारों पैनल्स की मिलाकर जो टोटल करंट जो DC एम्पेयर्स यहां पर बनते हैं वो अगर मैं आपको यहां पर चेक कराऊं तो वो देखिएगा आप कितनी आ रही है। जी तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 30.59 एम्पेयर जो है यहां पर शो कर रहा है, यानी कि ये चारों पैनल्स मिलकर जो है तकरीबन 31 एम्पेयर करंट इस वक्त दे रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि तकरीबन एक जो पैनल है वो 7.5 एम्पेयर करंट जनरेट कर रहा है, और आज धूप भी इतनी कोई खास नहीं है, कम है, तो जिस वक्त फुल धूप हो फुल सनलाइट हो तो उसके अंदर ये तकरीबन एक पैनल 8 या 9 एम्पेयर तक जो है वो करंट देता है। तो अब उसके बाद ये करना है दोस्तों कि हमने इस कनेक्टर को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर कहीं पर यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर देना है ताकि प्रॉपर इसकी ड्रेसिंग हो जाए। और वहाँ से कनेक्ट होने के बाद दोस्तों इस पाइप के जरिए यहाँ पर जो आपको सुराख नजर आ रहा है ये सोलर की वायर यहाँ से अंदर जा रही हैं दोनों, और उसके बाद इस डक्ट के जरिए ये दोनों वायर जो हैं ये यहाँ पर आकर नीचे जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है इसके साथ अब
अटैच हो जाएंगी। फाइनली दोस्तों हमारे सोलर पैनल्स की जो कनेक्शन थी, जो वायरिंग थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको इनको पैरेलल कनेक्शन करने का या सीरीज कनेक्शन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो अगर आप इस तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आइंदा भी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को करें सब्सक्राइब और साथ में दबाएं बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।